अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँ, ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना लंबा टॉपिक है, क्योंकि मुझे हर ब्लॉग के नीचे 10 से 15 ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपने टॉक्सिक लोगों के बारे में बात की बट टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात नहीं की। तो आज हम इस पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। एंड एक और चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि आज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी वीडियो पर कम अज़ कम 2500 लाइक्स आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, हाउ टू सेट बाउंड्रीज विद टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स। रिमेंबर दिस इज अबाउट द फैमिली मेंबर्स। इनकी ना कुछ खसूसियात होती हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें इनके अंदर मौजूद होती हैं। पहला तो ये होता है कि दे मेक क्रूल रिमार्क्स, आप पे ना तंस करते हैं, आप पे जुमले कसना, इस टाइप के काम इनका होता है। दे डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर हर्टफुल एक्शंस। वो जब आप कभी इनको बोलें कि आपने ये किया था ना, तो वो बिल्कुल वो कहते हैं ना, मुकर जाते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी भी नहीं किया था। दे आर कंट्रोलिंग, वो चाहते हैं आप सारी जिंदगी ना उनके जैसे गुलाम बन के रहे, वो जो चाहते हैं आप उसी तरह उनके साथ, वो जैसा ट्रीट करें आपने वैसा ही करना है। नेक्स्ट है, दे क्रिटिसाइज, ब्लेम और हर्ट यू। लाइक वो आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो आपको हर चीज के लिए ब्लेम भी करते हैं, और वो आपको शदीद किस्म का हर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट इज दे गिव द साइलेंट ट्रीटमेंट, मतलब ये कि जब उनको आपसे आप पे सारी भड़ास निकाल लेते हैं तो फिर वो खामोशी उधार लेते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको जवाब नहीं देते, तो वो अपनी ना एंगर इस तरह भी शो करते हैं। नेक्स्ट इज दे लाए अबाउट थिंग्स टू हर्ट यू, काफी चीजों पे वो आप पे झूठे इल्जाम भी लगा लेते हैं और काफी चीजों पे झूठ भी बोल देते हैं कि जी ऐसा हुआ था और इसने ऐसा किया था। नेक्स्ट इज दे यूज हार्श लैंग्वेज, याद रखिए क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते, दे आर टॉक्सिक पीपल, तो वो ना जबान भी बहुत खराब किस्म की यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दे कॉपी यू एंड प्रिटेंड के जैसे उनको ही सब कुछ आता था। वो कॉपी करेंगे आपके ए टू जी चीजों को, फिर कहेंगे नहीं ये तो मुझे खुद भी आता था, ये तो मैं खुद भी करती थी। यानी कि वो ये शो करेंगे आपसे तो मैंने नहीं सीखा। लाइक अगर आप किसी चीज में अच्छी हैं तो वो आपको पहले कॉपी करेंगे और उसके बाद कहेंगे नहीं ये चीज तो मुझे खुद से आती थी। सो ये मैंने आपको साइंस बताए हैं आइडेंटिफाई करने के कि ये टॉक्सिक जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें ये साइन होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कैसे रखना है, अपनी जिंदगी को खुश कैसे बनाना है। तो अब मैं आपके साथ उसके तमाम पॉइंट्स शेयर करूंगी एंड इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं अबाउट फैमिली मेंबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करना है बाउंड्री कैसे सेट करनी है, वो है पॉज बिफोर रिएक्टिंग। हम क्या करते हैं, किसी ने हमें, क्योंकि टॉक्सिक लोगों की आदत होती है आपको टॉन्ट करने की, आपको तंग करने की, आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी जो है ना वो सबर का पैमाना जब लबरेज होना शुरू हो जाता है ना, तो आप वो एक लफ्ज बोलेंगे आप फौरन से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। एक ना पॉज दिया करें, सोचा करें कि इस बंदी ने ये बात मुझे जो की है ये क्या, इस क्या प्रिटेंड करना चाह रही है या क्या लोगों के सामने पोर्ट्रे। मे बी वो सबके सामने आपको किसी बात पे पॉइंट आउट इसलिए करे ताकि आप लोगों के सामने उन पे ना एकदम रिएक्ट करें और फिर वो आपको लोगों के सामने जो है ना गंदा करें कि जी देखो ये तो है ही इस तरह की बदतमीज, मैंने तो एक लफ्ज बोला था और ये स्टार्ट हो गई। तो अपने आप के को ना कुछ क्वेश्चंस दें, क्या ये जो बोल रही हैं दो हफ्ते बाद इसका मुझ पे कोई जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा या मेरी रिप्यूट पे फर्क पड़ेगा या मुझे अभी इनको जवाब देना चाहिए या नहीं। एक दफा ना अपने आप को कंट्रोल में रख के ना थोड़ा सोचना चाहिए। जब आपको फील हो कि भाई इस बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके बाद, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतना दिमाग खपाने की अपनी और मैंने मुझे इन सारी चीजों को सोचने की, तो मुझे तो जरूरत नहीं है। सो देयर इज नो नीड कि आप एकदम रिएक्शन दें, आप अपने आप को पॉज दें और फिर ना कोशिश करें कि आप उसको लेट गो कर दें, कोशिश करें कि उस चीज को इतनी वेटेज ही ना दें कि वो आपके सर पे सवार हो और आप एकदम रिएक्शन देंगे और लोगों के सामने आपकी एक रिप्यूट होती है वो खराब हो, क्योंकि ऐसे लोग ना आपको गंदा ही करना चाहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिश क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन बाउंड्रीज. ये जो टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हो सकता है दे आर वेरी क्लोज टू यू, वेरी क्लोज टू यू, एंड आप वो कॉल कर रही हैं आपको और आपको घंटों लगा रही हैं, जी ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, तुम इस तरह की हो, तुम इस तरह, तुम्हें चेंज करना चाहिए, और यू आर नॉट अ गुड मदर. ये चीज़ें ना मैंने बहुत सुनी है कि सारे लाइक इस तरह से आपको ट्रीट करना जैसे आप अपने बच्चे नहीं संभाल सकती. ये चीज़ याद रखिए, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा. लाइक आपको ना बच्चे पालने नहीं आते, आप अच्छी मदर नहीं है, इस तरह के ना ढके छुपे लफ्ज़ों में आपको कॉल करके आपको बातें सुनाना कि जी ये देखिए मैं आपको एक बार बताऊँ, इस बात पे ना अपने आप को अंडर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेकर आना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक माँ का रुतबा दिया और आप अपने बच्चे पाल रही हैं. जब आप पैदा कर सकती हैं ना इतनी पेन लेके, तो आप अपने बच्चों को पाल भी सकती हैं. एंड कंपैरिजन करना कि जी हम तो बड़ी अच्छी माएँ थी तो तुम तो अच्छी माँ नहीं हो, वो मे बी आपकी सास भी हो सकती है, मे बी आपकी सास की बहन भी हो सकती है, मे बी वो आपकी नंद भी हो सकती है, मे बी वो आपकी जठानी भी हो सकती है. तो आपने ना ऐसी चीज़ों पे अपने दिमाग को नहीं लगाना. और अगर कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है और घंटों आप, क्योंकि आप ना शर्मो शर्मी बात कर रहे होते हैं, आपने या तो ऐसे लोग जो टॉक्सिक होते हैं जो आपको घंटों कॉल पर लगा के आपका दिमाग खपाते रहते हैं और आपको तंज करते रहते हैं, पहले तो आप उनकी कॉल अटेंड करना ही छोड़ दें. जब आप उनकी कॉल अटेंड करना छोड़ दें, या अगर आपको जैसे आपके हस्बैंड प्रेशर देते हैं कि नहीं यू हैव टू टॉक टू हर और यू हैव टू टॉक टू द पर्सन, तो आपने या तो अपनी बाउंड्री सेट कर दें कि 10 मिनट से ऊपर मैं बात नहीं कर सकती, बहाना बना दिया करें बच्चा रो रहा है, बहाना बना दिया मेरे सालन चला हुआ दे, क्योंकि मैंने देखा है ये अपनी आंखों से. आप सुन रहे होते फोन पे और फिर बाद में रो रहे होते हो, ठीक है. There is no need of crying and there is no need of talking to them on call. Sorry, मैं ना बीच में उर्दू से अंग्रेजी में स्विच कर देती हूँ, तो वो मुझे होता है कि बहुत से लोगों को फिर समझ नहीं आती, इसलिए फिर मैं उर्दू में भी रिपीट करती हूँ. तो ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी कॉल ना घंटों अटेंड ही करते रहें, कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं. आपको किसी ने गन पॉइंट पे नहीं कहा कि उनसे बात करें, पहले तो अटेंड ही ना किया रही ताकि उनको पता चल जाए कि ये बात ही नहीं करना चाहती. और अगर जब उठा ली कॉल ना, तो हार्डली 10 मिनट 5 मिनट कोई बहाना बना के ना फ़ोन बंद कर दिया करें, ताकि उनको पता हो कि ये आपकी बाउंड्री है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना. नेक्स्ट पॉइंट इज पुट योर नीड्स फर्स्ट. देखिए मैं एक बात बताऊँ, मुझे समटाइम्स बहुत फील होता था कि मैं क्यों मैंने बोला या मैंने क्यों रिएक्ट किया, या रिएक्ट इन अ सेंस कि मैंने जो है वो अपनी बाउंड्री डिफाइन की और फिर मैं वो सारी बातें भूल जाती थी. लेकिन मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में नोट की कि आप किसी के साथ जितना भी अच्छा कर लो ना, अगर वो टॉक्सिक पर्सन है ना, वो आपको, वो एक मिसाल है फॉक्स कैन चेंज इट्स स्किन बट नॉट इट्स हैबिट्स. वो अपनी खसलतें बंदा नहीं चेंज करता, वो अपनी जो एक आप में एक इनबिल्ट खसलत है ना टॉक्सिक लोगों में, वो कभी नहीं चेंज करेंगे. तो अपने लिए स्टैंड लेना और किसी को ये इजाज़त ना देना कि वो आपको अब्यूजिव हो, आपको गलत वर्ड्स बोले, आप पे धौंस जमाए. किसी को इतना हक किसी ने नहीं दिया कि आपको डिग्रेड करे, बेइज्जत करे, ठीक है. तो आपने ना, आपने ऐसे लोगों को अपनी बाउंड्री ज़रूर डिफाइन कर देनी है और इस बात पे गिल्टी नहीं फील करना, क्योंकि आपने अपने आप को फर्स्ट रखना है. पुट योर सेल्फ फर्स्ट मतलब अपने आप को पहले रखना है, उसके बाद देखना है कि हाँ जी ये बंदा मुझे इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा. तो अपनी मेंटल हेल्थ आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ना कि आप दूसरे का ये सिर्फ ये सारे ज़िंदगी ये ख्याल रखते रहें कि हाँ जी ये तो कोई बात नहीं है, ये बुढ़ापा मुझ पर भी आएगा, ये टाइम मुझ पे भी आएगा, मैं भी अकेली रह सकती हूँ, तो कोई बात. देखिए जब उस बंदे को खुद ही नहीं समझ आ रही ना अपना अच्छा और बुरा, तो आपको जरूरत नहीं है किसी के लिए परेशान होने की. अपने लिए स्टैंड लें, अपने आप को फर्स्ट रखें. नेक्स्ट पॉइंट इज सेट लिमिट्स ऑन कॉन्टैक्ट. मतलब अगर जैसे ही देखिए आप बंदा घर में रह रहा है, बंदी घर में रह रही है, कोई भी है जिसके साथ टॉक्सिक फैमिली मेंबर है, फील करे ना कि अब ये स्टार्ट लेने वाली है, इवन स्टार्ट ले ले, उसी वक्त उठें, कमरा छोड़ दें. कोई ज़रूरत नहीं है उस बंदी के साथ या बंदे के साथ वो कमरा उस वक्त शेयर करने की, कोई ज़रूरत नहीं है. उठें, कमरे से निकल जाएं.
क्योंकि आपने लिमिट कर देनी है अपना कॉन्टैक्ट। अगर आप मेरे से बदतमीजी से बात करेंगे तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रही। अगर आप अपनी हद से बढ़ के मुझसे मीन्स मुझे, मैंने लोगों को गालियां देते हुए सुना है, मैंने सुना है, लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विद पीपल एंड आई नो कि हाउ पीपल ट्रीट अदर। तो अगर कोई आपको इस तरह से ट्रीट करे, उसी वक्त फौरन उठें और वहां से निकल जाए, क्योंकि आप उनके बेइज्जत करने के लिए उस घर में नहीं है। ठीक है, आपने अपने कॉन्टैक्ट को उनके साथ बिल्कुल लिमिट कर देना है, एक ही घर में रहते हुए। नेक्स्ट पॉइंट इज टेल देम व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एंड व्हाट यू विल डू इफ दे वॉयलेट योर बाउंड्री। देखिए, ऐसे लोग जैसे अब नॉर्मल बात करें ना, मैंने आपको बताया मेरी एक फ्रेंड थी, वो शी यूज टू कम एंड शी यूज टू क्राई कि मुझे मेरी सारी इन लॉज बहुत क्रिटिसाइज करती है फॉर माई मदरहुड, और हत्ता कि शी वॉज टीचिंग इंग्लिश टू ओ लेवल्स एंड शी वॉज माई पैरेलल टीचर एंड आई यूज टू बी सो अमेज्ड कि वो इतनी अच्छी अंग्रेजी की टीचर है और कैसे इसके पेरेंट्स बोल, वो यानी कि पढ़ी लिखी है, उसके बच्चे वहीं पढ़ते थे, क्योंकि आपको टीचर को एडवांटेज होता है ना कि उसके बच्चे वहाँ पर एज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते, उसके बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उसका बेटा मेरी क्लास में था, वो इतना अच्छा बच्चा था, बट उसको उसकी इन लॉज सारे दिन ये बोलती थी कि यू आर नॉट अ गुड मदर, तुम सारे दिन नौकरी करती हो, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं होता और पता नहीं क्या क्या, और हम तो बहुत अच्छी माएँ थी, हम तो ये करती थी, हम तो वो करती थी। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, और कॉल कर करके इवन उसकी एक नंद उसको डेनमार्क से कॉल करके इतनी बातें सुनाती थी। एंड देन एक दिन हम सब बैठे हुए थे, सो अनदर लाइक मेरी एक और फ्रेंड है, उसने उसको कहा यार व्हाई आर यू अटेंडिंग हर कॉल्स, किसी ने जबरन तुम्हें कहा है तुम्हारे, और कहते मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम बस एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देखो, लेकिन आप एक हद लिमिट आपने उसको सेट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड और यही सोचेंगे कि जी हम तो बेइज्जत करने कर रहे हैं इसको, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनकी, जब वो आपको इस तरह की कोई बात करें, आप फोन बंद कर दें। जब एक दफ़ा फ़ोन बंद करेंगी, वो दूसरी दफ़ा जब करेंगी, जब दूसरी दफ़ा बंद करेंगी तो नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगी कि ये मेरी बात नहीं सुन रही। तो आपको किसी से लेक्चर्स लेने की, बेइज्जत होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, स्पेशली ऐसे टॉक्सिक लोगों से। तो आपने ना उनको ये एक लिमिट बता देनी है कि ये बातें मैं आपकी सुन लूँगी, ये बातें मैं आपकी नहीं सुनूंगी। अगर आप मुझे इज्जत देंगी, पहला फॉर्मूला याद रखिए, ये मेरी जिंदगी का, आप मुझे जितनी इज्जत दोगे मैं आपको उतनी ही रिटर्न में इज्जत दूंगी, दैट व्हाट आई डू। तो कोई बंदा इतना फालतू नहीं होता कि आपको कॉलों पे इतनी इतनी बातें सुनाई जाए, यू आर नॉट अ गुड मदर, और तुम्हें घर संभालना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं करना आता। आपको सब कुछ आता है, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग भी दिया, जहन सब कुछ दिया है, सो प्लीज ऐसी बातों पर ना दिमाग मत खराब किया करें अपना। Next point is take responsibility for your actions and make them take responsibility of theirs. देखें, आप किसी को इतनी इजाज़त कभी मत दें कि वो अपनी boundaries cross करके आप पे taunt मारे, आपको तंग करे, आपको बेइज्जत करे। ये बात याद रखिए, आपने अपनी boundaries, अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगी ना तो कोई आपको इज्जत नहीं देगा, ये बात याद रखिए। आप अपनी आप को, अपने बच्चों को, अपनी जॉब को खुद इज्जत देंगे, कोई बंदा आके आपको इज्जत नहीं देगा। बहुत से लोग आपके पेरेंट साइड पे होते हैं जो आपके हस्बैंड पे टॉन्ट मारते हैं, आपने बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करनी, क्योंकि जब आपके हस्बैंड को ये एहसास होगा कि सी माई वाइफ इज टेकिंग लाइक शी इज शोइंग द रिएक्शन इफ समवन सेज एनीथिंग टू मी, लाइक मेरे हस्बैंड, लाइक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हस्बैंड को कोई बंदा टॉन्ट करे तो आपको उसी वक्त उसको शट अप कॉल देनी चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन इज योर हस्बैंड। वो कोई फालतू बंदा नहीं है कि कोई बंदा भी उठ के कोई बात कर देगा। तो फिर इन अ सेम वे फिर वो भी सोचेगा कि नहीं, मुझे अपनी बीवी को इज्जत खुद देनी है। तो आपने ना अपनी, दूसरे बंदे को ये एहसास दिला देना है कि ये मैं अपने किए की जो हूँ वो जिम्मेदार हूँ, और आप अपने किए के जिम्मेदार। ये ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगियों में बहुत सी कमियां रह गई होती हैं, और वो फिर जिंदगी भर आपको अपने आप अपनी कमियों का जिम्मेदार ठहराते हैं, या फिर जो चीज़ें आप कर रही होती हैं, स्पेशली ऐसे लोग ना हमेशा आपसे कमतर होते हैं। उनको होता है कि जी ये हमसे ऊपर है, या ये हमसे अच्छी है, ये हमसे प्यारी है, ये हमसे अच्छा काम करती है, तो उनको कुछ और नहीं मिलता तो वो फिर आपको तंज करना शुरू कर देते हैं। सो हमेशा याद रखें कि आप अपने किए के जिम्मेदार हैं, और वो
अपने किए के जिम्मेदार हैं, तो आपको उनके लिए जवाबदेह नहीं होना पड़ रहा, जैसे वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए सिर्फ खड्डे खोदते बैठे हुए होते हैं। सो ये लोगों को, इस तरह के लोगों को आपने उनकी बाउंड्रीज जो है ना वो खुद दिखानी है कि नहीं जी, आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या होता है कि मैं आपको जरा थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। हम ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बहुत गौर कीजिएगा। ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये स्पेशली बहुत एक्सट्रीम पे जेलस लोग होते हैं, इनको आपसे खुदा वास्ते का बैर होता है। और जो जेलस लोग होते हैं ना, जो आपसे लाइक मैं नॉर्मल, आपने लोगों को सराउंडिंग्स में देखा होगा, जो बेहतर लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो माइंड में भी थोड़े से खुले दिमाग के होते हैं, वो कभी आप पे ना ये टॉक्सिक रवैया नहीं रखते। ऐसे लोग वो होते हैं जो जेलस होते हैं, उनसे ना आपके दिल में एक हमदर्दी रख लें कि ये ना हमसे कमतर है, क्योंकि ये हमसे जेलस हैं तो इनको कुछ और नहीं मिलता ना, तो हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। ये मैं पॉजिटिव पॉइंट आपको बता रही हूँ। ऐसे लोगों पे ना आपको तरस आना चाहिए कि जो बेचारे, उनको जिंदगी में कोई और काम नहीं है, बस वो आपके पीछे ही हाथ धो के पड़े हुए हैं, वो आप पे तंज किए जा रहे हैं। जब ये आप सोचेंगे ना कि ये मुझसे लाइक इसकी और ऐसे लोगों का ना मैं आपको बताऊं, उनके पास्ट बहुत तारीख होता है, या तो उनको जैसे टॉक्सिक लोग हैं, इनमें कोई भी हो सकता है, आपकी नंद भी हो सकती है, आपकी देवरानी भी हो सकती है, जठानी भी हो सकती है, आपकी सास भी हो सकती है, या इवन कोई भी हो सकता है, आपकी इवन अपनी फैमिली में लोग हो सकते हैं। ये लोग ना इनकी जिंदगी में, इनके इनका बचपन या इनकी शादी के बाद की जिंदगी बहुत ज़्यादा तल्ख रही होती है, और फिर वो अपनी जिंदगी को आपसे कंपेयर करते हैं। ये चीज याद रखें कि जो बंदा अपने आप को आपसे कंपेयर करता है ना, वो आपसे कमतर होता है, ये बात याद रखिए। वो अपने आप को, खुद ही अपने आप आपको आपसे कमतर फील करता है, इसलिए उसको इनसिक्योरिटीज होना शुरू हो जाती है, और वो करता क्या है, वो फिर आप पे टॉन्ट मारना शुरू कर देता है कि चलो जी, अब ये तो मुझसे बेहतर है, तो चलो मैं किसी तरह इसको लेट डाउन करूं, इसको नीचे नीचा दिखाऊं, इसको लोगों के सामने बेइज्जत करूं। तो ये ना, जब आप ये चीज सोचेंगे ना कि मुझे हमदर्दी है बेचारी के साथ, क्योंकि ये बंदी तो शायद अपने आप को मुझसे कमतर समझती है, आई एम बेटर देन हर, एंड कंपैरिजन यही होता है, जब वो कोई बंदा जेलस होता है ना, तो वो कंपैरिजन ही करता है अपनी जिंदगी का आपके साथ। तो आपको ना परेशान नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, वो बोल रहे हैं ना, वो उनकी जेलसी है जो उनके मुंह पे और उनकी जबान पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लॉक देम ऑन सोशल मीडिया। ओ माय गॉड, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका सारा दिन ना उस पे व्हाट्सएप पे और के स्टेटस पे और फेसबुक पे ना ठसल चलती रहती थी अपनी इन लॉस के साथ। कभी एक चीज डाल रही है, कभी दूसरी चीज डाल रही है, कभी तीसरी, वो ना फील हो जाता था सारे फ्रेंड्स को। सो वी यूज टू आस्क हर कि ये क्या तुमने स्टेटस डाला हुआ, तो ये फलाने मुझे ये बोला था, ढमकाने मुझे बोला था, तो मैं उसका जवाब दी। एक दिन मैंने उसको कहा, यार सिंपली ब्लॉक द पर्सन, सिंपली ब्लॉक द पर्सन। उसने मुझे कहा, नहीं इससे क्या होगा। मैंने उसको सिंपली ब्लॉक द पर्सन, कल बताना कि क्या होगा। उसने उस बंदी को, जो भी उसको टॉन्ट मारता था या कुछ भी करता था, या टॉक्सिक पर्सन, उसने ब्लॉक किया। नेक्स्ट डे आके मुझे कहती है, मैं इतनी सुकून से रात को सोई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था स्टेटस क्या लगाया हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि उसने फेसबुक पे क्या लगाया हुआ है। तो द थिंग इज, ऐसे लोगों को ना सिंपली ब्लॉक कर दिया करें, सिंपली ब्लॉक कर दें। इट इज अ वेरी क्लियर मैसेज टू देम कि सॉरी, यू आर नॉट वेलकम्ड इन माय लाइफ, आप मेरी जिंदगी और मेरी टेरिटरीज के अंदर रहने के काबिल नहीं हो, इसलिए मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ। सिंपली ब्लॉक देम एंड सुकून से अपनी जिंदगी जिए, उनको अपनी जिंदगी से बिल्कुल। सोशल मीडिया तो सीरियसली बहुत फसाद डालने वाली चीज होती है समटाइम्स, स्पेशली व्हाट्सएप एंड फेसबुक, बिल्कुल ब्लॉक कर देंगी ना तो आप बहुत सुख में रहेंगी, सीरियसली आप मुझे दुआएं देंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूम पॉजिटिव कंटेंट। देखिए, अगर कोई बंदा आपके मुंह पे सामने, अभी छोटा सा घर है, आप उधर ही घर रह रहे हैं, उसी का बोले जा रहे, आप कुछ भी ना करें,
कुछ भी ना करें, कोई रिएक्ट नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, आपने सिंपली अपना फोन निकालना है। इधर मैं कहती हूँ कि रील्स देखना शुरू कर दें, कान में अपना हैंड्स फ्री लगा दें, रील्स देखना शुरू कर दें, पॉजिटिव कंटेंट है, आपको उनकी बात ही नहीं समझ आ रही कि वो बोल रहे हैं, तो टॉक्सिक पर्सन बोलता रहता है, लेट देम स्पीक, कान बंद करें आराम से, बस लेट देम स्पीक, जो दिल में आती है भड़ास, क्योंकि टॉक्सिक पर्सन जो होता है ना, तो वो जब जितना बोलता है ना, बिलीव मी, उसका वो अपना आप हल्कान करता है। आपकी जात पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने ऐसे जब तक आप कहते हैं ना चिकने घड़े नहीं बनेंगे, आप जिंदगी भर रुलते ही रहेंगे, तो आपने एक कान से सुन के दूसरे से निकाले, दूसरा क्या, कान में सुने ही ना, आराम से हैंड्स फ्री लगा लें, अपनी रील्स देखते रहें, पॉजिटिव हंसी मजाक वाली टिकटॉकर्स को ज्वाइन कर ले, इधर मैं आपको कहती हूँ ज्वाइन कर ले, अगर आपको इस तरह का सिचुएशन फी नहीं, लेकिन सिर्फ इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी, अदरवाइज आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टिकटॉक एंड रील्स, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करती है, लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई भी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है ना, Go for it. Make your mind relax. अच्छा content देखें, cooking की कोई videos देख लें, मजाया देख लें, लेकिन उनकी बात मत सुने। Please don't try to fix people. Sometimes हमारे दिमाग में आता है कि कोई बात नहीं, मैं इसकी सुन लेती हूँ, और जब अच्छा मूड होता है तो हम ट्राई करते हैं कि उनको कहें कि नहीं ये मत किया करें, आपको ये नहीं करने की जरूरत, आपको लाइक हम अपनी तरफ से एक अच्छा काम कर रहे थे, बट वो लोग कभी चेंज नहीं होते, टॉक्सिक लोग कभी चेंज नहीं होते, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कभी चेंज नहीं होती, वो एक ही तरह की रहती है, तो बिलीव मी देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं किसी को चेंज करने की, आप वो एनर्जी जो उन पे लगा रही हैं वो अपने आप पे लगा लें, अपने हेल्थ पे लगा लें, अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे लगा लें, उन पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं होता, ये कभी नहीं समझेंगे आपकी बात, कभी चाहे आप सर तोड़ कोशिश भी कर लेना तब भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो ट्राई करें कि ऐसे लोगों की आप उनको फिक्स करने की कोशिश मत करें, उनको ठीक करने की कोशिश ना करें। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे क्लियरली नजर समझ आ गए होंगे, एक्चुअली मुझे इतने इस टॉपिक पे मैसेज आते थे, इतने आते थे, एंड सारे टॉपिक्स पे यू नो आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक माय नोट्स एंड टू थिंक एंड आई रीड बुक्स एंड आई एम लाइक कि मैं आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकूँ इस तरह के मामलों में तो मैं हेल्प करूँ, एंड बहुत से एक्सपीरियंसेस मेरी अपनी लाइफ की है, मेरी फ्रेंड्स, मैं ना लोगों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ, ये मेरी नेचर है, मैं लोगों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि कौन किस तरह का है। तो बिलीव मी, मैं अपनी फैमिली में अपनी बहनों को और अपनी अम्मी को जब किसी बंदे के बारे में बताती हूँ ना, तो कोई 8 साल बाद मेरी अम्मी और मेरी बहनें मुझे कहती हैं यू वर राइट अबाउट द पर्सन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, एंड सीरियसली मेरी बहनें और मेरी अम्मी ये बात मानती हैं कि मैं किसी बारे में जब बताती हूँ ना उनको कि द पर्सन मुझे ना ये ठीक नहीं लग रहा, ये इसमें ये प्रॉब्लम है, तो कई कई सालों बाद जब उनको बहुत ज़्यादा धोखे पड़ जाते हैं ना, तो दे से कि यस यू वर राइट। सो आज मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूँ कि क्या पीछे स्टोरी चल रही थी। एक्चुअली आज हमने प्लान बनाया था पिकनिक का, एंड मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी 5 बजे और मैंने बिरयानी बनाई, आप लोग देख रहे थे पीछे, और बिरयानी बना के तो उसके बाद फिर हम चले गए थे मरी, और मरी में हमने जो है ना बस अपना जो है वो लंच किया, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि मेरे हस्बैंड का आजकल ऑनलाइन क्लासेस कुछ चल रही हैं, तो हम मरी इतना दूर तो है नहीं पिंडी से, हार्डली इट टेक्स 1 घंटा 1.25 घंटा 1.5 घंटा, तो हम सुबह चले गए थे, फिर नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद मरी, और फिर मरी जाके हमने बड़ा इंजॉय किया, हमने खाना शाना अपने घर से ले गए थे, मैं बिरयानी बना के लेकर गई थी, इसके अलावा मैंने टेंडर पॉप्स जो है वो एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने जो है ना बेटी ने मेरी सैंडविचेस बना लिए थे चिकन टिक्का वाले, तो बस वो हमने सुबह जल्दी जल्दी बनाए, हम गए फिर हमने वहां पर चाय शाय पी, और मैं गई थी वहां पर शायद एक रेस्टोरेंट कैफे 12 के नाम से वहां गई थी, तो अगर आप लोग वहां जाते हैं बहुत अच्छी जगह है, वहां पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आपको बैठने की बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, तो वहां बैठ के जो है ना बहुत अच्छा आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरी अम्मी ने स्पेशली शी इंजॉयड अ लॉट, हत्ता कि उनकी किडनी में थोड़ा सा पेन भी हो रहा था, लेकिन जो है ना मैंने उन्होंने हमें बताया नहीं, वापसी में बता रही थी कि मेरी किडनी में थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन ये कि आई वॉज सो हैप्पी कि मेरी अम्मी ने इंजॉय कि हमने बहुत एंजॉय किया, और बस फिर हम लोग दिन के ही टाइम में वापस आ गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की 5:30 बजे क्लास होती है, तो दैट वाज द मेन रीजन, वरना हमने था कि हम रात रहेंगे, लेकिन वो क्लास लेना बहुत जरूरी थी। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक दे दिया होगा, एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग के टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग 2500 लाइक्स फॉर दिस व्लॉग, सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Thank you.